चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। इस बीच रोहतक से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि पीजीआई में नवीन जयहिंद की गुंडागर्दी के मामला जो है सामने आया है, ये रोहतक से जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दीजिए। इस बीच सामने आ रही गुंडागर्दी का मामला रोहतक से सामने आया, जहां पर पीजीआई में नवीन जयहिंद की गुंडागर्दी जो है वो सामने आई है और मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथियों के साथ मिलकर अधिकारियों को पीटा है। यहाँ पर आपको बता दें कि नर्सिंग की काउंसलिंग के दौरान यह हंगामा हुआ है। काउंसलिंग के दौरान यह हंगामा, काउंसलिंग सेंटर में अधिकारी की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे जो इस बीच सामने आ रही है। रोहतक से जानकारी है, पीजीआई में नवीन जयहिंद की गुंडागर्दी देखने को मिली है। यहाँ पर रोहतक से अपडेट आप तक पहुंचा दें, पीजीआई में नवीन जयहिंद की गुंडागर्दी का मामला जो है सामने आया है और साथियों के साथ मिलकर अधिकारी को पीटने का मामला सामने आया है। अधिकारी को पीटा है उन्होंने, नर्सिंग की काउंसलिंग के दौरान ये पूरा हंगामा हुआ है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। काउंसलिंग सेंटर में अधिकारी की पिटाई का वीडियो जो है वो भी सामने आया है। रोहतक से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, काउंसलिंग अधिकारी की पिटाई यहां पर की गई है। तो इस बीच हमारे सहयोगी दिनेश कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे पूरे मामले पर, क्या कुछ अपडेट है, आखिर किस वजह से ये विवाद बढ़ा और अधिकारी को पीटा यहाँ पर? देखिए, नर्सिंग की काउंसलिंग यहाँ पर चल रही थी तो जो आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं नवीन जयहिंद, वो इसमें गड़बड़ी का शुरू से आरोप लगा रहे थे और इसी के विरोध के चलते वो यहाँ पर काउंसलिंग में अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जो काउंसलिंग कर रहे अधिकारी अचानक दाव में आ गए और उन्होंने वही के एक पीजीआई के चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज पर हाथ उठा दिया, तो इसके बाद ये सारा मामला बढ़ गया और कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है। जी, दिनेश, जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे, नवीन जयहिंद की ओर से क्या कुछ कहा गया है पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, नवीन जयहिंद यही कह रहे हैं कि जो काउंसलिंग हो रही है उनमें जो बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर छूट दी जा रही है, जबकि हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं उनको छूट नहीं दे रही है। तो इसी के चलते वो आज, ये निश्चित था कि आज वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए और उसी कड़ी में वो साधारण। दिनेश, एक बार आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच हमारे साथ नवीन जयहिंद जुड़ गए हैं। नवीन जयहिंद जी, जिस तरीके से पूरा वीडियो सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप, पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मामला जो है इसको समझना जरूरी है। मामला ये है कि हरियाणा के अंदर जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था अभी 2021 का, इसमें साफ साफ ये लिख रखा है कि हरियाणा का जो डोमिशेल है उसको ही 5 नंबर मिलेंगे। आप दूसरे स्टेट में, अगर आप दूसरे स्टेट में राजस्थान, यूपी, पंजाब कहीं पे भी जाओगे तो वहाँ हरियाणा के लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता है। अब इन्होंने बिल्कुल ओपन कर दी है भर्ती और हरियाणा के कैंडिडेट इस भर्ती से बाहर हो रहे थे, वो रो रहे थे, उन्होंने हमारे को बुलाया, लोगों को उनको धक्के मारे जा रहे थे। जो नर्सिंग की जो भर्ती है, उससे पहले कई भर्तियों में ऐसा हुआ है, हरियाणा के बाहर के लोगों को यहाँ पे भर्ती किया जा रहा है। सवाल ये है, जब हरियाणा के इतने लाखों नौजवान बेरोजगार हैं तो बाहर वालों को भर्ती करने का सवाल क्या? उनकी जितनी सीट है, जितनी हरियाणा के लोग, या तो उसको पूरा ओपन करो, फिर हरियाणा के लोग भी पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जहाँ पे भी है, यूपी, राजस्थान, हर जगह पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। वो आए, वो महिलाएं थी, लड़कियां थी, वो रो रही थी, उनको लेके हम गए वहां पे, सीएसओ, उन्होंने हमें रोका, हम रुके रहे वहां, सीएसओ आया, सीएसओ ने जाके कहा भी मैं बात करके आता हूँ, सीएसओ वहां पे गया, उस जो भी आदमी था वो हमें नहीं पता कौन था, उसने उसके साथ भी गाड़ी गलौज की, पूछते तेज चिल्ला रहा था, वो सारे वीडियो, उसने 2 बार उसके पेट में धक्के मारे हैं, फिर सीएसओ ने उसके ऊपर हाथ उठाया, फिर उसने सीएसओ और मेरे ऊपर हाथ उठाया, फिर हमने उठाया, ये प्रोसेस है। और इसमें और कुछ नहीं था, बिल्कुल। और नवीन जी, इस बीच हमारे इनपुट एडिटर राज वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। नवीन जी, देखिए, सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि जो भी वाक्य हुआ, लेकिन क्या इस तरह से सरेआम एक अधिकारी के साथ मारपीट करना ठीक है? क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीरें दिख रही है उसमें ना केवल बहस है, पहले एक थप्पड़ मारा गया और उसके बाद आप भी जो है अधिकारी के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी सीधे सीधे कानून आप लोगों ने अपने हाथ में ले लिया। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए आप। जब वहाँ के जो कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट वहाँ पे गए, वो बार बार गए, उनको धक्के मार मार के, उन कैंडिडेट की जाके सुनिए वो किस तरह से रो रहे थे, उनकी वीडियो नहीं दिख रही क्या आप लोगों को? और जहां तक मारपीट की बात है तो मैं आपको बताऊं, मैंने जाके भी वहां पे उसको ये कहा, भाई रुक जा, बात तो सुन लो कम से कम। और वो जब, वो तो उन्हीं का था, हमारा तो था नहीं, वो तो डिपार्टमेंट उन्हीं का डिपार्टमेंट था ना, उन्होंने कहा भाई एक बार इनकी जो भी बात हो, बोला तू कौन,
तो उसने कहा भाई तू धक्का मत मारा उसको, आपको अगर वीडियो ध्यान से देखोगे उसको तीन बार पेट पर हाथ लगाया। लेकिन नवीन जी एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ एक नेता भी आप हैं, तो ऐसे में एक कानूनी तरीका भी यहाँ पर अपना सकते थे, लेकिन आपने तो सीधे अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लिया, यानी पुलिस भी आप, कोर्ट भी आप, जज भी आप, फैसला आपने वही ऑन द स्पॉट सुना। भाई जी ना तो मैं पुलिस हूँ ना मैं कोर्ट हूँ ना मैं कुछ हूँ। देखो वहाँ पे बाहर जो कैंडिडेट थे वो रो रहे थे, और जो वहाँ पे जो घटना हुई है, मैं इसको ये नहीं कह रहा वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हरियाणा के नौजवान है उनको तो नौकरी मिल नहीं रही है, आप किस आधार पे उनको दे रहे हैं पांच नंबर बताइए आप कौन से जब नोटिफिकेशन है। मैं वो नोटिफिकेशन साथ में लेके गया था सरकार का। जो आरोप है ठीक है वो आपके आरोप सही हो सकते हैं, लेकिन क्या आपका ये तरीका सही है? वो आंसू अगर पोंछने की आप एक कोशिश कर रहे थे जो लोग रो रहे हैं, तो क्या इस तरह से आंसू पोंछकर आपने ठीक किया? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं नोटिफिकेशन लेके गया था, मेरे हाथ में था, मैं उसको दिखा रहा था कि भाई देखो भाई साहब मैंने ये बोला उसको, वो बोला कि तू चुप रहे, मैं कहा कोई बात नहीं भाई चल ठीक है। उस आदमी ने इस तरह से बदतमीजी की, उसी वो 65-70 साल का आदमी होगा, उसको तीन बार उसने पेट में ऐसे हाथ लगा के ऐसे धक्के दिए तीन बार, उसके बाद उसने उसको हाथ उठाया, उसके बाद फिर उसने उसकी तरफ भी हाथ उठाया, मेरी तरफ भी उठाया। तो भाई साहब अब ये बताओ ना जो बात है, मेन तो इश्यू जो है भाई हम हमारी बात सुन लेते एक बार दो मिनट में, इतना ही तो था। हम कोई वहां पे कोई नारा नहीं लगाया, कोई धरना कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ ये कह रहे थे भाई साहब कि ये जो बच्चे हैं, ये बाहर जो बच्चे बैठे हैं, कम से कम इनकी सुन तो लो कोई। अब ये कह रहे हैं वो उनको धक्के मार मार के भगाया जा रहा था। अब लेकिन एक बात अपनी बात सुनाने का ये तरीका तो ठीक नहीं। आप किसी सीनियर अधिकारी से शिकायत कर सकते थे, आपको अगर लग रहा है कि वो आपके साथ मारपीट कर रहे हैं आप भी पुलिस के पास जा सकते थे, लेकिन जिस तरह से मारपीट की तस्वीरें आ रही हैं, कोई वहाँ पे मारपीट करने के लिए थोड़ी गए हैं। आप एक बात बताइए, जो बच्चे वहाँ पे बैठे हैं वो रो रहे हैं, मेरा तो कोई मतलब नहीं, मैं तो मेरी तो कोई काउंसलिंग नहीं थी ना, उन्होंने मेरे को फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे हो रहे, और इससे पहले भी हरियाणा के अंदर अलग अलग भर्तियों में बाहर के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, तो हरियाणा के नौजवान कहाँ जाएंगे भाई? कोई ये तो बता दे, ये सरकार ये तो बताए कम से कम, अब भाई कौन सी पॉलिसी? और मैं नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का ही नोटिफिकेशन। एक आखिरी सवाल, क्या आप मानते हैं कि जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है गलत हुआ, इस तरह से मारपीट नहीं करनी चाहिए थी आप लोगों को? देखिए वो पूरा दुर्भाग्यपूर्ण है घटना, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन जिस तरह से उस अधिकारी का व्यवहार था, आप पूरी वीडियो आप देख लीजिए क्या व्यवहार था। अगर किसी के पास चलिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जैन जी। तो आपने सुनी पूरी बातचीत किस तरीके से नवीन जैन से बातचीत की हमारे इनपुट एडिटर राज वर्मा ने, आपने सुना किस तरीके से उन्होंने अपनी गलती मानी है, लेकिन हाँ यहाँ पर जाहिर तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारी के साथ मारपीट यहाँ पर की गई है। ये तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। ये पूरा विवाद जो है देखते ही देखते बढ़ा और उसके बाद मामला जो है हाथापाई तक पहुंच गया। तो बातचीत भी आपने सुनी, हमारे इनपुट एडिटर जो है राज वर्मा, उन्होंने बातचीत की है नवीन जैन से, और नवीन जैन ने कहीं ना कहीं बातों बातों में अपनी गलती को स्वीकार किया है।